नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पिछले 24 घंटों में जो भी मौसमी गतिविधि हुई है हमारे देश भर में उसके बारे में जानने वाले और आने वाले 24 घंटों में यानी कल 26 मई को पूरे देश भर में मौसम कैसे रहने वाला है इसके बारे में जानने वाले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मानसून की खबर है। मानसून हमारे देश में 27 मई को और थोड़ा आगे बढ़ने वाला है, मतलब जो निकोबार के कार निकोबार के आसपास है वो अभी पूरा अंडमान आइलैंड और अंडमान सी और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आगे बढ़ने वाला है। तो ये थी मानसून रिलेटेड अपडेट। तो अगर हम लोग पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं हुई है तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई है। यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सवियन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में ज़्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश चेरापुंजी और सोहरा जो दोनों ही मेघालय में आते हैं वहाँ पर 24 सेंटीमीटर यानी 240 mm तक बारिश हुई है। उसके बाद पासीघाट जो अरुणाचल प्रदेश में आता है वहाँ पे 15 सेंटीमीटर बारिश हुई है। अगर हम लोग तापमान के बारे में बोलेंगे तो पूरे नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स और सेंट्रल इंडिया में हीटवेव कंडीशंस चल रही है। राजस्थान के वेस्ट राजस्थान में सीवियर हीटवेव कंडीशन देखने को मिली। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राजस्थान के चुरू में रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर 47.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम टेम्परेचर बिहार के डेहरी में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अब हम आने वाले 24 घंटों में मौसम के बारे में जानते हैं। तो आने वाले 24 घंटों में हीटवेव कंडीशन कंटिन्यू करने वाली है। राजस्थान और गुजरात, MP, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के सभी इलाकों में हीटवेव कंडीशंस कंटिन्यू करने की संभावना है आने वाले 2-3 दिन तक। यहाँ पर टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस को पार करते रहेंगे। अधिकतर जगहों के तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच आपको रिकॉर्ड किए हुए दिखाई देंगे। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की संभावना है एक दो जगहों पे, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। बाकी सब इलाकों में हल्की से मध्यम या कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ईस्ट इंडिया में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होने वाली। कोलकाता में मौसम साफ रहेगा और गर्म रहेगा। साउथ इंडिया में अगर हम लोग आएंगे तो साउथ इंडिया कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन्स एक जगह पे हेवी रेनफॉल हो सकती है। कोलकाता, बेंगलोर में भी बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर शाम या दोपहर के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो सकती है। केरला में भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की पूरी संभावना है। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश की संभावना नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में एक दो जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है और लाइट रेनफॉल हो सकती है थोड़े समय के लिए। दिल्ली में मौसम बेहद गर्म और हीटवेव कंडीशन रहेगी और टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। तो ये थी हमारी इंडिया वेदर रिपोर्ट और इंडिया वेदर फोरकास्ट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल। थैंक यू।